नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बिटन एकेडमी बुचावास की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, अपने लास्ट क्लास में बात कर रहे थे जो अपनी क्लास टेंथ थी, क्लास टेंथ की साइंस, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड अम्ल क्षारक एवं लवण, ये अपने पढ़ रहे थे। इससे पहले अपने बात करें तो चार पार्ट इसके अपने पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर का अपने यहाँ पर नेक्स्ट 5 नंबर वाला पार्ट पढ़ना है। अगर आपने अभी तक ये पहले वाले जो 4 पार्ट नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में BCA साइंस 10th नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और आपको साथ साथ में इनके नोट्स भी बनाने हैं। और फिर भी किसी प्रकार की आपके कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से वहाँ पर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जाएगा। अब अपने देखो, लास्ट जो हमने छोड़ा था वहाँ पर अपने पीएच स्केल पढ़ लिया था। अब पीएच के दैनिक जीवन में उपयोग भी हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद आता है लवण परिवार। अम्ल पढ़े थे, अम्ल के भौतिक रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए थे, लवण की बात करते हैं। अपने हेडिंग दे रखी है लवण परिवार, यानी लवण की अपने बात करते हैं। तो लवण क्या होता है बच्चों? जब अम्ल और क्षार मिलकर उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं तब किसका निर्माण हो जाता है? लवण का निर्माण होता है। यानी अपने कह सकते हैं अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व क्षार का निर्माण होता है। लवण व क्षार का निर्माण होता है। आप देखो बच्चों, जब अम्ल हो और अपने क्षार हो आपस में मिलेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। जब एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं उसको अपने बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर क्या है? अपने पास अम्ल है, हमारे पास क्या है? अम्ल है प्लस क्या है? क्षार। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। एक तो अपने लवण बनेगा, प्लस में क्या बनेगा बच्चों? जल बनेगा। प्लस में क्या बनेगा? जल बनेगा। जैसे अपने एक सामान्य अम्ल की बात कर लेते हैं, HCl ले लेते हैं। HCl आप सभी जानते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, प्रबल अम्ल है। दूसरा क्षार की अपने बात करें तो अपने ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों की अपने क्या करवाते हैं बच्चों? अभिक्रिया करवाते हैं, तब यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl क्या है? नेगेटिव है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। NaCl यहाँ पर क्या है? लवण है। अब देखो, यहाँ पर Na आ गया और Cl आ गया, बचा क्या है? OH नेगेटिव बचा है और OH पॉजिटिव बचा है। तो ये मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे? H2 का निर्माण कर लेंगे। यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हुई, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बना और साथ में क्या बना? जल बना। तो ये होगी अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया और किसका निर्माण हो गया? यहाँ पर लवण का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं लवण की पीएच। सामान्यतः लवण की जो पीएच होती है, लवण की पीएच 7 होती है। यहां पर एक देखो, हम ये नहीं कह रहे कि लवण की पीएच 7 ही होती है। यहां पर देखो एक शब्द लिखा है सामान्यतः। सामान्यतः पीएच कितनी होती है? 7 होती है। ये नहीं कह सकते आप बिल्कुल ही 7 होगी, क्योंकि अगर आप ऐसे कहते हो कि 7 ही होगी तब अपने आगे बात करेंगे लवणों के प्रकार की। लवणों के प्रकार की बात करेंगे तो उसमें अम्लीय लवण भी आएंगे,
क्षारीय लवण भी आएंगे और उदासीन लवण भी आएंगे, तब उनकी पीएच थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। अब देखो यहाँ पर अपने बात करते हैं, सामान्यतः लवण की पीएच 7 होती है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं लवणों के प्रकार की। लवणों के प्रकार की अगर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो लवण 3 प्रकार के होते हैं। वैसे द्विक लवण भी आता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी आता है, यानी अपने बात करें संयुक्त लवण भी आ जाता है, तो वो अपने 12th में या उसके बाद वाले क्लासों में पढ़ने को मिलता है। तो सामान्यतः लवणों के 3 प्रकार होते हैं। पहले के अपने बात करते हैं, सबसे पहले अपने बात करते हैं उदासीन लवण की। उदासीन लवण, अब देखो उदासीन लवण, उदासीन लवण का निर्माण कब होगा? जब प्रबल ही अम्ल हो और प्रबल ही क्या हो, क्षार हो, यानी प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप, कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उदासीन लवण का निर्माण होता है। उदासीन लवण का निर्माण होता है, उदासीन लवण का निर्माण होता है। इसकी जो पीएच है ना बच्चों, इसकी पीएच 7 होती है, यानी जो उदासीन लवण होगा ना उसकी पीएच क्या होगी, बिल्कुल 7 होगी, यानी 7 के बराबर होगी। तो 7 के बराबर होगी। हम बात करें किसकी, हमारे पास क्या है, प्रबल तो क्या है, अम्ल है, प्रबल हमने अम्ल लिया है और प्रबल भी हमने क्या लिया है, क्षार लिया है, प्रबल क्षार। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया होगी तो उदासीन लवण बनेगा प्लस H2 जल बनेगा। प्रबल अम्ल, यही एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं सामान्यतः, HCl हो गया, ठीक है, HCl प्लस में प्रबल क्षार की बात करें तो बच्चों NaOH हो गया। क्या हो गया, NaOH, HCl प्रबल अम्ल है और NaOH प्रबल क्षार है, दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। ये क्या है बच्चों, ये उदासीन लवण है, ये उदासीन लवण है। इस प्रकार अपने पास पहला लवण कौन सा हो गया, उदासीन लवण हो गया। नेक्स्ट अपने पास आता है बच्चों उदासीन लवण के बाद अपने बात करते हैं अम्लीय लवण। दो नंबर पे अपने पास आ जाता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण की बात करें तो अम्लीय लवण के अंदर प्रबल तो अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा। यह है अपने कह सकते हैं प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बनता है। अभिक्रिया से बनता है, देखो यहां प्रबल तो क्या होना चाहिए, हमारे पास अम्ल होना चाहिए, प्रबल क्या होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए, और इसके साथ में दुर्बल क्या होना चाहिए, क्षार होना चाहिए। यानी दुर्बल क्या होगा इसके साथ, दुर्बल क्षार। तो बनेगा क्या, तो अपने पास बनेगा अम्लीय लवण, अपने पास क्या बनेगा, अम्लीय लवण। अब देखो प्रबल तो अम्ल है, तो प्रबल अम्ल है तो H प्लस आयन ज्यादा त्यागेगा और यहां पर दुर्बल क्षार है तो OH माइनस आयन कम त्यागेगा, यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं यानी H प्लस आयन त्याग कर देते हुए प्रबल अम्ल होते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, ज्यादा H प्लस त्यागेंगे लेकिन जो क्षार होगा वो कम OH त्यागेगा। तो मान लो किसने 3 OH त्यागे,
और इसने चार एच प्लस त्यागे। अब देखो तीन ओ एच के साथ एच प्लस मिलेगा तो तीन क्या बन जाएगा, जल के अणु बन जाएंगे, लेकिन एक एच प्लस तो फिर भी शेष रहा ना, तो ये जो विलयन होगा वो कैसा होगा, इस एच प्लस के कारण अम्लीय होगा, यानी जो बनेगा वो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का बनेगा, और बनने वाला क्षार भी कैसा होगा बच्चों, अम्लीय, बनने वाला जो लवण है वो कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा। तो यहाँ पर देखो अपने पास प्रबल अम्ल कौन सा लेते हैं, अपने प्रबल अगर अम्ल की बात करते हैं तो प्रबल अम्ल ले लेते हैं अपने HCl, प्रबल हमने क्या ले लिया, अम्ल HCl, और अम्लीय अपने उसकी बात करते हैं दुर्बल क्षार की तो अपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NH4OH ले लेते हैं, NH4OH ले लेते हैं। तब आपको पता है सबसे पहले तो अम्लीय लवण प्लस जल बनेगा, तो जल का अणु निकाल दो, अगर जल का अणु आपको निकालना आ गया तो यहाँ क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया को जल्दी से संतुलित कर सकते हैं, उत्पाद आपको पता नहीं हो तो भी उत्पाद बना सकते हैं। देखो OH क्या है, OH माइनस ये H प्लस, तो इससे क्या निकल गया, एच प्लस छुपाओ एक बार, सी एल बचा है, इसमें OH छुपाओ, NH4 बचा है, तो बन क्या जाएगा, NH4Cl, ये क्या बन जाएगा, NH4Cl प्लस यहाँ पर H2, ये क्या बन गया बच्चों अपने पास है, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। इसी प्रकार अपने पास ZnCl2 आती है, अगर ZnO की जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं HCl के साथ, तब क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, और साथ में अपने पास क्या प्राप्त होगा, H2O प्राप्त हो जाएगा, यानी जिंक ऑक्स अपने बात करते हैं ZnCl2 की, लेकिन एक एग्जांपल काफी आप पढ़ सकते हो। तीसरा अपने पास कैसा आता है, क्षारीय लवण, यानी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो अपने एक एक एग्जांपल दे रखे हैं वो काफी है, क्षारीय लवण। अब देखो पहले इसमें अम्लीय लवण में एक पॉइंट अपने और बात कर लेते हैं, इसकी पीएच कितनी होगी, इसकी पीएच 7 से कम होगी, 7 से कम होगी, ऐसा नहीं है कि 7 से कम होगी तो 5 हो गई 6 होगी, 7 से कम होगी, बिल्कुल 7 के बराबर नहीं होगी, 7 से कुछ कम हो सकती है, पॉइंट 2 पॉइंट कम हो सकती है, लेकिन क्या होगी, कम होगी, बिल्कुल 7 होगी तब तो उदासीन हो जाएगा, लेकिन कुछ 7 से अगर कम होगी तो कैसा होगा, ये उदासीन नहीं होगा, कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा। अब तीन नंबर अपने बात करते हैं, अपने पास आता है तीन नंबर क्षारीय लवण, क्षारीय लवण, तो क्षारीय लवण में प्रबल क्या होगा, क्षार होगा, तो अपने कह सकते हैं यह है प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया से बनता है, अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। अगर इसकी पीएच की बात करें तो इसकी पीएच क्या होगी, इसकी पीएच 7 से कुछ अधिक होगी, 7 से क्या होगी, कुछ अधिक होगी, बिल्कुल 7 के बराबर नहीं होगी, 7 से कुछ अधिक होगी। तो यहां पर अपने बात करें तो प्रबल क्या है, क्षार है, प्रबल तो क्षार है, इसके साथ में क्या है, दुर्बल अम्ल है, तो बनेगा क्या, क्षारीय लवण प्लस H2O, ठीक है बच्चों, ये बन गया क्षारीय लवण बन गया और H2O बन गया। ये तो अब देखो प्रबल अपने पास क्या है, क्षार है, जैसे प्रबल अपने एक क्षार की बात करते हैं तो अपने ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार होती है। अब दुर्बल अम्ल कोई भी
ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन उपस्थित हो यानी कार्बनिक अम्ल होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो कोई अगर दुर्बल अम्ल का अगर एग्जांपल नहीं याद आ रहा हो तो आप कार्बन युक्त अम्ल को क्या मान सकते हो, दुर्बल अम्ल, यानी जिन अम्ल के अंदर कार्बन उपस्थित होता है वो क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। तो अपने पास जैसे H2CO3 क्या है, दुर्बल अम्ल है। अब देखो सबसे पहले आप H2O निकाल दो, आप क्या निकाल दो, H2O। यहाँ पर देखो H2O हाइड्रोजन के दो हैं तो H2O आपको निकालना है। आपको पता है कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो H2O तो निकलेगा ही निकलेगा। अब H2O निकालना है, अब H2O निकालेंगे तो यहाँ पर देखो अपने दो इससे बनेगा Na2CO3 बनेगा, यानी Na प्लस है और CO3 क्या होता है, माइनस। पहले H2O एक निकाल दिया, अपने समीकरण अपने संतुलित बाद में करेंगे, पहले आप थोड़ा सा समझो। H2O निकाल दिया, जल निकाल दिया। अब मान लो H2O यहाँ पर देखो छुपा कर देखो क्या बचा, कार्बोनेट बचा। यहाँ पर देखो O छुपा के देखो तो क्या बचा, Na बचा, क्या बचा, Na बचा। लेकिन यहाँ पर एक H और है, एक H और है, तब हमें क्या करना है कि समीकरण संतुलित करने के लिए NaOH के कितने लेने पड़ेंगे, दो लेने पड़ेंगे। 2 NaOH ले लिए अपने, तो यहाँ पर 2 NaOH ले लिए तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के दो तो ये रहे, दो हाइड्रोजन के ये रहे, टोटल हाइड्रोजन के कितने हो गए, चार हो गए ना। तो यहाँ पर अपने दो हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। अब दो ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन के, ये दो ऑक्सीजन के हो गए, परमाणु हो गए, H2 हो गया, दो जल के अणु प्राप्त हो गए। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन को छुपा लो, ऑक्सीजन को छुपा लो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, सोडियम के दो परमाणु दिखाई दे रहे, तो यहाँ पर Na2 और यहाँ पर H2 छुपाओ, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कार्बोनेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CO3 CO3 प्लस यहाँ पर क्या आ गया, 2 H2O, ठीक है। ये क्या है, अपने पास आ गया क्षारीय लवण आ गया। ये तो अपने लवणों के तीन प्रकार थे। इसके बाद अपने बच्चों एक द्विकलवण आता है और एक संयुक्त लवण भी आता है, लेकिन उसकी अपने बात नहीं करेंगे। आप एक बार इतना लिख लीजिए, उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं इसमें साधारण जो नमक है उससे विभिन्न उत्पाद किस प्रकार प्राप्त होते हैं। हाँ, तो अपने अब बात करते हैं साधारण नमक की। साधारण नमक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो गया। अब देखो जो सामान्य नमक होता है या फिर अपने इसकी बात करें साधारण नमक जिसको अपने खाने का नमक भी होते हैं या खाने में जो यूज करते हैं वो क्या है अपने, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है NaCl है। अब देखो NaCl किससे बनता है, HCl और NaOH की क्रिया के फलस्वरूप बनता है, यानी अपने बात करें इसका निर्माण HCl व NaOH की क्रिया के फलस्वरूप होता है, क्रिया के फलस्वरूप होता है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो बार बार इनके नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सूत्र लिख दिया आपको पता चल जाएगा। अब देखो HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, ये क्या है सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड या साधारण नमक। साधारण
नमक हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है कि इसका जो सामान्यतः अपने बात करें तो समुद्रों से इसकी प्राप्ति की जाती है। समुद्रों के अंदर क्या होगा, जब जल सूख जाता है तब ये नमक के बड़े बड़े डले जिसको बोलते हैं अपने, या फिर अपने पत्थर जैसी संरचना प्राप्त होती है, या अपने एक समूह सा प्राप्त होता है जिसको अपने बोलते हैं ये क्रिस्टल, यानी इसके क्या होते हैं, यानी अपने कह सकते हैं समुद्री जल के सूखने से इसके भूरे रंग के क्रिस्टल को, भूरे रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। भूरे रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। भूरे रंग के क्या होते हैं बच्चों, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, और ये जो भूरे रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं इनको बोलते हैं खनिज लवण क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, खनिज लवण कहा जाता है, खनिज लवण कहा जाता है। अब देखो ये जो NaCl विभिन्न यौगिकों के निर्माण में सहायक होता है, यानी NaCl का जो अपने बात करें उपयोग जो होता है वो विभिन्न यौगिकों के निर्माण में होता है। तो सबसे पहले अपने पास यौगिक एक नंबर आता है NaOH, NaOH, NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार बनता है, जब अपने क्या करते हैं एक पात्र लेते हैं, कोई भी अपने एक जैसे कांच का पात्र हो गया, उस कांच के पात्र के अंदर यानी बर्तन के अंदर हम NaCl युक्त जल अपने जल ले लेते हैं, उस जल के अंदर नमक मिला देते हैं, नमक मिलाने के बाद अगर उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करें ना, तब हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अपने NaOH प्राप्त हो जाता है, और उससे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस किस पर हो जाएगी, कैथोड पर एकत्रित, और क्लोरीन गैस किस पर, एनोड पर एकत्रित हो जाती है, यानी अपने कह सकते हैं इसका निर्माण NaCl की NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से होता है। अब देखो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और क्या होगा, NaCl का जलीय विलयन होना चाहिए, यानी NaCl जलीय विलयन को पता है अपने एक क्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्लस क्या होना चाहिए, जल 2H2O। ठीक है बच्चों, इसमें अपने क्या कर दी, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, H2O तो पता ही आपको लिक्विड फॉर्म में है, और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे अपने विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, 2NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, यहाँ पर देखो क्लोरीन कितना है, एक है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन आया क्या, कहीं नहीं है ना, मतलब यहाँ पर क्लोरीन आएगा, तो क्लोरीन आएगा तो अपने यहाँ पर 2NaCl कर देंगे, 2NaCl कर ले तो Cl2 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 2 सोडियम के प्राप्त हो गए, प्लस में देखो क्लोरीन Cl2 गैस बन गई, Cl2 गैस बन गई, प्लस में यहाँ देखो हाइड्रोजन के चार हैं, चार परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर अभी तक कितने, दो परमाणु हैं, तो दो हाइड्रोजन के परमाणु बचे हुए, यानी यहाँ पर H2 गैस भी प्राप्त हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्लोरीन गैस बन गई और हाइड्रोजन गैस से
मुक्त हो गई। अब देखो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, ये जैसे NaCl का अपने विद्युत अपघटन करवाया है। अब विद्युत अपघटन करवाने पर देखो ये जो गैस बनती है क्लोरीन, ये कहाँ बनती है? क्लोरीन आपको पता है ऋणात्मक होती है, Cl माइनस, आपने देखा क्लोरीन के ऊपर माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस वाले किधर, माइनस वाले किस पर एकत्रित होगी? एनोड पर, एनोड यानी प्लस वाला, धनात्मक जो अपने पास है इलेक्ट्रोड है उस पर कौन सी गैस होगी? एनोड पर एकत्रित हो जाएगी, एनोड पर एकत्रित होगी। और जो H2 है ये कैथोड, कैथोड मतलब ऋणात्मक, अपने पास क्या होता है जो इलेक्ट्रोड उस पर एकत्रित होगी, यानी अपने पास क्या बनता है, तीन उत्पाद प्राप्त होते हैं। सबसे पहले अपनी बात करें तो तीन उत्पाद अपने पास कौन से प्राप्त हो रहे हैं, एक तो अपने पास जैसे अपने विद्युत अपघटन करवाते हैं तो विद्युत अपघटन के अंदर अपने क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। विद्युत अपघटन के अंदर अपने क्या लेंगे, दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक तो अपने लेंगे कैथोड और एक होता है अपने एनोड। कैथोड होता है अपने माइनस वाला और एनोड होता है अपने पास प्लस वाला। अब देखो कैथोड माइनस वाला है तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस वाली होती है, Cl प्लस वाली होती है, ये हाइड्रोजन प्लस वाली है तो कैथोड पर अपने कौन सी गैस एकत्रित हो जाएगी, H2 गैस एकत्रित हो जाएगी, और एनोड पर अपने कौन सी गैस हो जाएगी, Cl2 गैस एकत्रित हो जाएगी, और अपने पास साथ में क्या बन जाएगा, NaOH, जो अपने पात्र लिए उस पात्र के अंदर ये जो अभिक्रिया करवा रहे हैं वहाँ पर NaOH प्राप्त हो जाएगा, यानी NaOH यहाँ पर क्या अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो अपने पास ये जो गैसें होती हैं इनका कार्य क्या क्या है, HCl की अगर हम बात करें यूज की, H2 की यूज की बात करें तो इसका ईंधन के रूप में, मार्गरीन के रूप में और खाद के रूप में, खाद के रूप में इनका उपयोग होता है, ठीक है। अब देखो Cl2 की बात करें, क्लोरीन गैस की बात करें तो क्लोरीन गैस क्या होती है, जल की स्वच्छता, आपने देखा होगा कि जल की स्वच्छता करने के लिए, जल की स्वच्छता यानी जल को साफ करने में अपने यूज करते हैं, और जो अपने स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल की सफाई में, इस स्वच्छता में अपने बोल सकते हैं CFC, जो अपने CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसके निर्माण में, CFC के निर्माण में जो आपने देखा होगा जो अपने फ्रीज होता है और AC होती है उनमें CFC होती है, CFC के निर्माण में होता है। और उसके बाद अपने बात करें PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड के निर्माण में, ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड अपने क्या है, PVC ये बहुलक है, PVC के निर्माण में। और तीसरा उत्पाद अपने यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था, NaOH। अब देखो NaOH के भी उपयोग है, NaOH के उपयोग की बात करें तो अपने इसके उपयोग क्या होंगे, दांतों से ग्रीज हटाने में, जो प्रशुद्धि है वो हटाने में करते हैं, दांतों से एक तो अपने क्या करेंगे, ग्रीज हटाएंगे, साबुन और अपमार्जक निर्माण में, साबुन व अपमार्जक निर्माण में ये इसकी उपयोग होगी। इसके अतिरिक्त बात करें तो अपने कागज उद्योग में, फाइबर उद्योग में, कागज व फाइबर उद्योग में। अब थोड़ी सी अपने यहाँ पर साथ में दे रखा है तो अपने और बात कर लेते हैं। अपने पास पता है H2 और Cl2, यानी H2 ये H2 रही और Cl2, H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाती है, HCl बनाती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। अब HCl यहाँ पर जो बन रहा है किसकी अभिक्रिया से, H2 और Cl2 के अभिक्रिया से, तो ये इसके उपयोग की बात करें तो इसके भी अपने पास महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं। जैसे अपने बात करते हैं इस्पात की सफाई में, जो अपने इस्पात होता है,
इस्पात की सफाई में। इसके अतिरिक्त अपने नेक्स्ट बात करते हैं तो NH4Cl के निर्माण में, NH4Cl के निर्माण में औषधि के रूप में, औषधि के रूप में। इसी प्रकार देखो अपने यहाँ पर क्या होता है, ये Cl2 है और यहाँ पर अपने पास क्या है, NH4Cl है, सॉरी अपने पास यहाँ पर Cl2 है और यहाँ पर क्या है, NaOH। अब Cl2 प्लस NaOH से अपने यहाँ पर क्या प्राप्त कर सकते हैं, इससे अपने कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। अब कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड है, इसकी अपने बात करेंगे नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें। कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड को अपने बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो इस ब्लीचिंग पाउडर की अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ पर दे जरूर रखा है दो उपयोग, लेकिन जब अपने इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे उसमें फिर से अपने पढ़ना पड़ेगा, तो अपन उसके साथ इसको पढ़ देंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपकी कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसकी आगे वाली क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।